तहसील में न्याय की सरकार के लिए मानने के चक्कर काट काट कर परेशान फरियादी। वहीं खराहल भाजपा युवा मोर्चा मंडल मंत्री ने भी तहसील प्रशासन पर लगाए रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप। खबर कराहल से है, जहां आज तहसील कराहल में मंगलवार की जनसुनवाई करने आए फरियादी रमेश गुप्ता और उनकी पत्नी ने बताया कि उनके मकान के बगल वाले रास्ते पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है और रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि वह तकरीबन 2 साल से कराहल तहसील में न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, मगर आज दिनांक तक उन्हें कोई न्याय नहीं दिया गया है। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए बताया है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है वो लोग संख्या बल में ज़्यादा हैं, हम ही झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं और कई बार झगड़े की नौबत आ चुकी है। मौके पर जाकर पटवारी गिरदावर द्वारा मेरे मकान की नाप तौल भी की जा चुकी है, तब भी अभी तक रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटाया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि वो अपने सारे कागजात तहसील के अधिकारियों को बता चुके हैं, मगर हमको अंदेशा है कि कुछ साठगांठ के चलते मामले को दबाया जा रहा है। जब भी मेरा मामला इतना बड़ा नहीं है, अगर हमारी सुनवाई यहाँ नहीं होती है तो हम कलेक्टर के पास अपनी शिकायत लेकर जाएंगे और जहाँ भी न्याय की रोशनी मिल सकती है उसका दरवाज़ा खटखटाएंगे। आप बता रहे हो समय आपको बीत चुका है, यहाँ पे ये इतना सा फैसला इतनी समय क्यों ले रहा है? तारीख पे तारीख बढ़ा रहे हैं, आज करेंगे 2 तारीख दे देते हैं, 24 मस्जिद बना रखी है। इन्होंने जैसा सोच रखा जैसे कोई बड़ा मुद्दा हो, ये बहुत बड़ा कारगिल राम मंदिर बाजी क्या समझ रहा है, ये तो तारीख पे तारीख दे रहे हैं। आप भी यहाँ आई हुई हो क्या? आप ही के नाम है ये रजिस्ट्री? हाँ, मेरे नाम है। क्या परेशानी आए, आप जरा विस्तार से बताइए। ये मेरे आगे इसने अतिक्रमण कर रखा है, इसको हटा नहीं रहे और 2.5 साल हो चले, हटा दूंगा। उसके अतिक्रमण से आपको क्या मुख्य परेशानी आ रही है? हमको हटाना हमारा रास्ता है, इधर मेरी जमीन है तो 240 फुट पे इसने अतिक्रमण कर रखा है और उसमें मेरी 250 फुट जमीन निकल रही है। आपने उनसे कहा तो होगा कि अपना अतिक्रमण हटा लो, तो क्या जवाब? उसने बोला कि मैं हटाऊंगा हटाऊंगा, अब उसकी औरत और धमकी देती है कि हटाने का तो मैं आग लगा दूंगी। मैं चाह जो केस लगा सकती हूँ, अब केस आप जानते हो कितने लग सकते हैं मेरे लड़के पर, क्योंकि मैं आपके लड़के पर केस लगा सकती हूँ, आपके आदमी पर लगा सकती हूँ। गेट क्यों लगाने दिया आप, मेरी जगह नहीं होती तो है? गेट क्यों लगाने दिए आगे? तो मेरा अतिक्रमण था साहब, हटा लूँगा करके फिर लॉकडाउन लग गया साहब, तो अभी चक्कर काट रहे तो कोई सुनवाई नहीं होती है। बाकी साहब बोलते हैं आपकी पत्नी को पेश किया जा, इसलिए मुझे अब पेश होना पड़ा। अभी आपका केस किस अभी 1 तारीख बढ़ा दी है, 13 तारीख तारीख पर तारीख दे रहा है, पहले ही तारीख जोड़ दी, 4 तारीख बढ़ा दी गुप्ता है। कहाँ से आए हो? कराही से। मुख्य समस्या क्या है आपकी? मुख्य समस्या ये है कि हमने जो प्लॉट खरीदा था उसमें अतिक्रमण हो रहा है जबरदस्ती। अरे वकील साहब का कहना है, वकील साहब का कहना ये है कि आपके अंदर से ये जो रास्ता दिखलाया गया है मेरे मकान में, खुली जगह है, एक कमरा है, अब इस रास्ते को वकील साहब ये कह रहे हैं कि ये रास्ता तोड़वाया जाए पूरा। अब माननीय आप ये बताइए कि जो मैंने रजिस्ट्री कराई है इसमें मैं रास्ता दूंगा क्या? इधर से जो रास्ता बाहर वाला प्लॉट वाला, ये प्लॉट वाला, ये जूम करना जरा इस पर, ये प्लॉट वाले का रास्ता उत्तर की ओर भी है और पूरब की ओर भी है। अब यह लाल स्याही लगी है, ये तरबीन का मतलब क्या होता है? ये प्लॉट वाला यहाँ बंद हो गया, इसके बाद में ये प्लॉट चालू हो गया मेरा, मेरा कमरा, ये मेरा एक कमरा बना हुआ है, कमरा बना हुआ है, ये खुली जगह है और ये रास्ता है, इसमें 3.5 फुट का रास्ता है। अब वकील साहब का कहना है इस खुली जगह को आपको तोड़ना पड़ेगा, क्या इस रास्ते से खुली जगह में तोड़ते हुए, इस कमरे में तोड़ते हुए, क्या ये इधर पास में चतुर्जी मंगल का कुआ है इसमें कूदने के लिए जाएंगे क्या? इधर बाहर वाला रास्ता बाहर जाएगा, मेरा इधर से जाने का रास्ता है, तो अंदर क्यों आएगा? अंदर क्यों आएगा? क्या इसमें वकील साहब नहाने के लिए जाएंगे क्या कुएं में? इसलिए कल जो बहस हुई थी मेरी, उसमें तहसीलदार साहब महोदय को उसने अवगत किया है, लेख नोट कराई है कि पहले साहब इस खुली जगह को तोड़वाया जाए, तो खुली जगह सर मेरी रजिस्ट्री में होते हुए टूट जाएगी क्या? मेरा मकान है उसमें अंदर, इसमें मेरा मकान बना हुआ है तो इसको तोड़ के इधर अंदर जाएगा ये कुएं में, चतुर्भुज के मकान में जाएगा अंदर कुएं, तो यार पार रास्ता दे दिया जाए। आपके इस मकान के बाद भी एक मकान है आगे? हाँ मकान है ना, तो चतुर्भुज मंगल का पूरे मकान तोड़ने की बात हो, पूरे मकान तोड़ना पड़ेगा ये इधर, ये जो मेरे कुआं में कूदने जाएगा ये। अभी जो मामले किस स्तर पे आ गया है आपका? भाई पहले तहसीलदार आए, उन्होंने काम कर रहे, इसके बाद 4 तहसीलदार बदल गए, वीर सिंह आवासिया जी आई थी, उन्होंने आवेदन वावेदन लिया और कार्रवाई शुरू की, जब तक उनका ट्रांसफर हो गया, इसके बाद में नई तहसीलदार महोदय आए, उन्होंने ही हमारी 4 तारीख ले ली गई।
नए तहसीलदार साहब तो अभी कुछ ही समय पहले ज्वाइन हुए, उन्होंने भी आपकी जब से चार तारीख हो चुकी है हमारी। अभी आप क्या स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं हमारे चैनलों के माध्यम से? ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा प्रशासन कराल तहसील पर ध्यान दे, या तो वकीलों के रूमों से शासन चलता है, या हर बाबू क्या जाओगे तो फाइल सरकाने के आपको पैसे देने पड़ेंगे। जब धीरे धीरे रेंगते रेंगते फाइल कहीं तहसीलदार साहब मौजूदा की टेबल पर पहुँचेगी, इसके बाद में फिर भी वहाँ आपको कुछ ना कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी, नहीं तो आपका केस फाइल बल्कि वहीं पड़ी रहेगी। भाई तहसीलदार साहब तो कहते हैं तारीख ब तारीख बढ़ती है, मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं कि अतिक्रमण हटाया जाए, कराल प्रशासन अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहा है मुख्यमंत्री को। भाई यहाँ तो क्या है कि बस रेंग तो प्रशासन है, यहाँ कोई कार्रवाई सुनता ही नहीं है। और श्रीमान जी कलेक्टर साहब महोदय बहुत अच्छे आए, गरीबों के मसीहा बन रहे हैं, लेकिन कराल आके थोड़ा एक नज़र तहसील पर डालें कि यहाँ चपरासी से लेके अधिकारी तक क्या कर रहा है, गुप्तचर भेज के ही जानकारी ले ले। यहाँ तमाम महिला बैठी हुई है, आप कैमरामैन जरा उधर घुमा के देखो यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है, रात और दिन लोग बैठ बैठ के चले जाते हैं, खाना लाते हैं, खाना खा के चले जाते हैं, कोई मिलते ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। अगर आपका फैसला यहाँ नहीं आता है, आने में देरी होती है किन्हीं कारणों से, तो आपका अगला कदम क्या होगा? भाई मैंने कल जब बात की थी तहसीलदार साहब ने, तो उनका वकील ने मुझे ही आरोपी ठहराए थे, हुए उसमें कुछ लिखा पड़ी थी, उसको देखते हुए मैंने आज 181 पर लगाई है, उस पर CMA हेल्पलाइन की लेने से लेने के लिए मजबूर हो गया मैं, क्या करूँ जब यहाँ सुनवाई नहीं हो रही। आगे मैं फिर कल छोपोर या अगले उसमें जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पेश होऊंगा, अगर सुनवाई नहीं हुई तो भाई मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना, मेरे तो दुकान में पानी भर रहा है उसमें, और सामने में गाड़ी नहीं लगा सकता मैं रोड पे, मैं अगर गाड़ी लगाता हूँ तो लड़ाई झगड़े होने की संभावना। ये दुकान मैंने खरीदा था, जो मैं नक्शा बता रहा हूँ इसको आप देखिए, इस नक्शे को मैंने इसलिए लिया था कि मैं पीछे एक गाड़ी लगा लूँगा, आगे रास्ता साफ रहेगा। अब ये रास्ता में यहाँ बैठा, आप ये बताइए आप इस खुली जगह में आदमी बगल वाला इसमें अंदर मेरी जगह में घूमने क्यों आएगा? क्या मैं इधर मकान बन गया और इधर मकान इसने गुमटी रख ली, तो क्या मैं हेलीकॉप्टर से ऊपर उतरूँगा नीचे उसमें? तो आरआई पटवारी द्वारा ऑब्जर्वेशन किया गया, आरआई पटवारी द्वारा ऑब्जर्वेशन किया गया, उन्होंने वहाँ पर पाया कि हमारी 240 फुट जगह कम है, उसके बाद ही तहसीलदार साहब महोदय द्वारा अभी तक जवाब नहीं दिया गया। इससे तो लगता है इनकी सांठ गांठ है। पापा मम्मी मेरे में इनको देख रहा हूँ, करीब 4 महीने चक्कर काट रहे हैं, मैं इस केस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना, मुझे पता मानसिक तनाव में इतने परेशान रहते हैं। और देखो हम हैं व्यापारी, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम जो तहसील में वो चक्कर काटें लड़ाई झगड़े करें। हम तो ये कह रहे हैं कि जब आरआई पटवारी हैं, मेरे पास फोटो हैं, उन्होंने मेरे सामने नब जगह ना पंचनामा बना, उस पंचनामे को झूठे करार दे दोगे आप? चलो ठीक है, पंचनामा को तुम झूठा करार दे दोगे। इसके बाद ये बताओ, 2-3 बार मैं नहीं था, पंचनामा करने आए पटवारी और जो आरआई, वो दोनों सरकारी गांव के तौर पर आ सकते हैं, उस टाइम इनका विवाद हुआ। हम पे लड़ने झगड़ने के लिए कुछ नहीं है, हमारा मकसद तो ये है जब पटवारी आरआई के द्वारा नहीं ट्रैक किया गया, वो तो किसी की नहीं है, वो तो सरकारी आदमी, उन्होंने पाया गया कि उसमें 240 फुट हमारी कम है और 240 फुट उसकी ज़्यादा है, तो इसका तुम तो क्लियर अब तहसीलदार को वो देना चाहिए ना निराकरण, या तो वहाँ है ना भैया। और आप हमारी अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो हमको आप अपनी फाइल वापस दे दो, हम कोर्ट का दरवाजा खड़वाएंगे, कोर्ट में नहीं सुनेगी अगर जिला कोर्ट नहीं सुनेगा तो हम सुप्रीम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसला तो हमें 4-10 साल लग लेंगे, तो मैं यहाँ से क्लियर जवाब दो। अब इसमें ये बताया जाए तो इसमें 20 साल लग जाएंगे, और इनकी कितनी उम्र अच्छी है, कैसे इसमें जाएगा इनका पूरा टाइम, इतना बड़ा मैटर नहीं है। हम पे बहुत सारे कागज़ पूरे कम्प्लीट हैं, नामांतरण डाइवर्सन तहसील उसकी क्या नाम है आरआई की रिपोर्ट और पटवारी रिपोर्ट, हम दो आरआई और पटवारी को हमने नहीं खरीदा, उन्होंने आके उन्होंने हमने पहले ऑनलाइन सीमांकन के लिए फॉर्म भरा। सीमांकन का मतलब क्या होता है? सीमांकन का मतलब यही होता है ना कि आप ऑनलाइन फॉर्म भरो सीमांकन के लिए, बाकायदा वो जांच करते हैं, उसमें तो कोई कुछ नहीं बदल सकता, उन्होंने जांच भी कर ली स्पष्ट, उसमें साफ दिख रहा है कि इनको जंग की जगह दी जाए। इसके बाद इसमें जो 10-20 हज़ार रुपये में वकील करके और चक्कर कटवा रहे हैं, ये वकील अब जो 20 हज़ार के वकील करने हम 50 का कर लेंगे, तो हमें ये वकील सुनो दूसरी बार उस दिन में आया जब वकील साहब कह रहे थे अरे यार तुम हमसे पहले मिल लेते तो हम करवाई देते, अरे भैया वकील के लिए जो कुछ मर्डर का केस है क्या वकील, इस क्या राम मंदिर है या कोई जो बावरी मस्जिद वाला केस है, जे कम पढ़े लिखे हैं बेचारे, मतलब इतनी नॉलेज भी नहीं है, और कागज़ और हम पता पूरे कागज़ कंप्लीट है। अब वकील साहब इसको क्या कर सकते हैं, वेस्टी को तो नहीं बदल सकती ना, मैं तो ये कह रहा हूँ 10 पटवारियों की 10 आरआई की टीम बनाई जाए, खुद कलेक्टर साहब आएँ, खर्चा का जो गवर्नमेंट का लगता है वो मैं रसीद कटवाने तैयार हूँ। तुम तो स्पष्ट जांच करो, अगर मेरे एक प्लॉट के अंदर एक फुट भी सामने वाली निकल रही है तो 3 JCB लगा उसका पैसा मैं दूँगा, अगर
हमारी उस और उसके मामाई ने कही था, मैं तो इस पर निराकार घुमाने फिराने का कोचिंग का कोई मैटर नहीं। आपने ये जगह जिससे खरीदी उस व्यक्ति ने आपको रास्ता देखा, जिस व्यक्ति से खरीदी उस व्यक्ति ने कहा ये टू साइडेड प्लॉट है, वो क्या कहेगा? उस टाइम दो जीने थे उसमें, हमने तो हल्की हल्की प्लॉट खरीदने के बाद पूरा तोड़वाया। जब उसमें एक जीना आगे से था तो आगे से आदमी जाएगा, एक उसमें जीना पीछे था। अब जीना दो जाने का कारण बताऊँ, पहले आगे दुकानें थी तो कोई बीच में आगे से जाएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, उसमें पीछे मकान भी था तो पीछे से भी मकान था। अब पीछे तो अब दो जीना था तो रास्ता ही तो हुआ ना, तो दूसरे जीने के लिए हेलीकॉप्टर आता था। ये नक्शा काय के लिए बनाया? अच्छा, नक्शा पत्थर है तेल लगाने, क्लियर बात जो है आरआई पटवारी रिपोर्ट आएंगी, या तो तुम इस पर निरा कर दो, तारीख पर तारीख मत दो, या मना कर दो कि केस हम पे नहीं हो पाया। फिलदर साहब पर नहीं हो पाया, एडीएम साहब से मिलेंगे, एडीएम साहब पर नहीं होगा तो कलेक्टर साहब से मिलेंगे। जब गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार में, मेरी मोर्चा से मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अस्थिक्रमण के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है और इतना अधिकारियों का ध्यान दे रही है, अपने सुपर जैसे अच्छे अधिकारी अभी तक किसी जिले में नहीं आए, लेकिन कराल प्रशासन में जो अधिकारियों की वो है वो 60 गाय या कोई भी अधिकारी आता सिर्फ कमाई करने के लिए आता है, सिर्फ कोई कराल तहसील पर ना तो यहाँ के कोई न्यूज़ रिपोर्टर वाले इतना ध्यान दे पाते। आप लोगों ने अभी प्रयास भी किया है, यहाँ आने वाले जितने लोग पूछ लो, बगैर पैसे का किसी का काम नहीं होता, ठीक है? अब जब गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, अब इसके लिए तो अपन को जागरूक होना पड़ेगा ना, अगर हम जागरूक नहीं होते ना हम आप लोगों को बुलाते? जब हम जैसा जागरूक आदमी को चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो जो बेचारे अनपढ़ गवार उनका क्या हाल हो रहा होगा? इसलिए इसमें स्पष्ट निराकरण चाहिए, कोई हमको वो नहीं चाहिए।